So guys, this vlog is all about my new helmet and its unboxing. So guys, helmet लेने से पहले मैंने अच्छा खासा रिसर्च किया था. फिर रिसर्च करने के बाद एक ठाम निर्णय लेकर मैंने SMK का ही ग्लॉसी हेलमेट लेने का निर्णय ठाम किया था. फिर हम लोग लोवोपरल में एक शॉप में गए हेलमेट लेने के लिए, RS46 बाइकर्स. उसके पास मैं पहले भी दो तीन हेलमेट लेने गया था, मतलब मेरे फ्रेंड ने लिए थे उसके पास से. तो उसके पास वेराइटीज ऑफ हेलमेट है, उसके पास टर्ड्स के, वेगा के एंड मेजोरिटीली SMK के बहुत सारे हेलमेट है. मतलब उसके शॉप में वेरियस टाइप्स ऑफ SMK के हेलमेट आपको मिलेंगे, ग्लॉसी में मिलेंगे, मैट में मिलेंगे और वेरियस टाइप के वाइजर्स मिलेंगे और हेलमेट के साथ साथ कैप्स मिलेंगे, राइडिंग जैकेट मिलेंगे, ग्लव्स मिलेंगे, एल्बो गार्ड, नी गार्ड एंड इंजन ऑयल एक्सेट्रा. वेरियस टाइप्स ऑफ बाइक के एक्सेसरीज आपको इसके पास मिलेंगे. मुझे बहुत कंफ्यूजन था क्योंकि यहाँ पे SMK की इतनी वैरायटी है, बट मैंने एक ठाम निर्णय लिया था, मतलब ग्लॉसी लेना है, मैट को देखना ही नहीं है भावना पोसले के कारण. तो मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे दो तीन हेलमेट देखे, तो ये एक था और ये भी एक था, बट ये ऑलरेडी मेरे एक फ्रेंड ने लिया था और ये बॉम्ब वाला थोड़ा सा छपरी सर का वाटर था, मैंने ना घेतलं. और फाइनली कैसे वैसे करके ये हेलमेट मैंने पसंद कर लिया है. और मुझे साइज का भी प्रॉब्लम था L और XL में. हेल वाला ना इतना त्रास हो रहा था ना कि इधर बहुत दुख रहा था भावना पोसले के कारण, इसलिए मैंने XL लिया जो अभी मुझे कंफर्टेबली फिट हो रहा है. सो फाइनली मैंने अभी हेलमेट तो अपग्रेड कर लिया है. एक्टिवा 120 में पे ये सूट हो सकता है और इन फ्यूचर कौन सी बड़ी बाइक आई तो उसके ऊपर तो ऑब्वियसली सूट होगा. और यहाँ पे माउंट का काम भी जल्दी जल्दी किया जाएगा और वैसे आपको अपडेट तो मिल जाएगा. तो ये जो हेलमेट जो शॉप से लिया है ना उसके ओनर से आपको इंट्रोड्यूस करके देता हूँ. सो दिस इज राहुल. तो मेरा एक कजन था सुयश, तो उसने मुझे ये शॉप में लाया था क्योंकि उसने LS2 का हेलमेट लिया था. तो ये शॉप बेसिकली लोअर परेल में है, अब फिनिक्स के जस्ट बाजू में. इसका एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. तो उसका LS2 का हेलमेट आया था, तो हम लोग ने भी बहुत सारे हेलमेट देखे. तभी कुछ प्लान नहीं था हेलमेट लेने का, ऐसा कुछ प्लान नहीं हुआ था, बट अचानक फिर बाद में सोचा कि फ्यूचर में हम लोग भी SMK अपग्रेड करेंगे. तो सुबह हम लोग वापस यहाँ पे आए थे, मेरे फ्रेंड ने भी एक SMK का हेलमेट लिया, उसने कैप्टन का हेलमेट लिया था आपको जो पहले दिखाया. फिर हम लोग भी सोच रहे थे कि मैं लू या न लू, थोड़ा सा ऊपर नीचे प्लान्स हो रहे थे, बट फाइनली हम निर्णय जो लिया था इसीलिए हम लोग शाम को अभी आए और जो हेलमेट था वो ले लिया. तो अब इससे इस शॉप में आओगे तो मेरा नाम बता सकते हो ब्रो, तो आपको डिस्काउंट तो वैसे भी अच्छा डिस्काउंट करके ही देगा. आप यहाँ पे आओगे तो हेलमेट ही नहीं, हेलमेट के अलावा बहुत सारे आपको एसेसरी यहाँ पे मिलेगा. आप जरूर आके शॉप में चेकआउट कर लेना. राहुल का इस शॉप का नाम, इसका एड्रेस और इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. So ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to my YouTube channel. How you all are doing? Hope all of us are doing absolutely fine. तो यहाँ पे मैं अभी आया हूँ मेरे अनबॉक्सिंग के अड्डे पे. ये मेरा SMB vlogs का अनबॉक्सिंग का अड्डा है. आपको ये लोकेशन पता नहीं सकता, इसका नाम खाली अनबॉक्सिंग का अड्डा है. अभी यहाँ पे ये SMK का सिर के सुरक्षा कवच का अनबॉक्सिंग होगा.
इस जगह पे पहले भी एक SMK का हेलमेट का रिव्यू हुआ था, अनबॉक्सिंग हुआ था, और मेरे जो कैमरास थे ना, तो एक छोटा कैमरा और उसका बड़ा भाई बड़ा कैमरा, उसका भी अनबॉक्सिंग हुआ था। फिर उसके बाद कुछ महीनों के बाद अभी मैं वापस आया हूँ एक नया सिर का सुरक्षा कवच लेके, SMK का हेलमेट। अभी ये SMK का हेलमेट का अनबॉक्सिंग हो गया। हम लोग अभी नेचर में बैठे, तो अभी सूरी बीरी कुछ नहीं लाया, तो अभी इसका अनबॉक्सिंग इससे होगा, इसको ना काटा है। तो अभी इसका जुगाड़ तो हो गया, अभी इसके अंदर से हेलमेट निकाला जाएगा जो मेन है। वाओ, ऑसम। इसका कलर तो लाजवाब है, इसके ग्राफिक्स तो तोड़ ही नहीं। और मेरी जो गाड़ी है ना एक्टिवा 125, उसको ये कलर सुपर मैच होता है। तो ये जो SMK का हेलमेट है, इसका मॉडल नंबर है SMK GL 135। सॉरी गाइस, मैं बार बार वाव वाव कर रहा हूँ, बट वाव इसके लिए बहुत कम है। ये जो हेलमेट है ना, इसको जब देखता हूँ ना, तो इतनी खुशी होती कि निकल के राइड पे जाने का मन करता है। क्योंकि ये जो हेलमेट है, मेरा खुद का पर्सनल चॉइस है। मतलब मैंने जो हेलमेट लिया था, उसके लिए बहुत रिसर्च किया था, मतलब ऑनलाइन देखा था, बहुत सारे शॉप्स में प्राइस निकाला था, बट जो अपने को पसंद आता ना, वैसा हेलमेट नहीं मिला था। समझते ना, भावना पोछले से कारण। तो ये हेलमेट को देख के ना जो मन करता है ना, वो सिर्फ राइडर ही समझ कर सकता है। और ये हेलमेट किसी को भी पसंद आएगा। अरे मेरे फ्रेंड्स भी बोलते हैं, कहाँ से लिया, मुझे एड्रेस बताओ, कितना खतरनाक हेलमेट दिखता है। SMK ने वैसे बनाया ही है। SMK के मैट सीरीज भी आते हैं, ग्लॉसी सीरीज भी आते हैं, बट जब मैं हेलमेट लेने गया था ना, मैंने एक ठाम निर्णय लिया था कि मैटला बगाचस नहीं, ग्लॉसीलास बगाचस। मतलब खाली ग्लॉसी चाहिए अपने को, जो चाहिए उसके ऊपर ही फोकस करने का, और उसमें एक अच्छा हेलमेट रिसर्च कर लेने का। और ये जो हेलमेट है ना, इससे आपको तो इसके थोड़े पर ओवरऑल स्पेक्स बताता हूँ। तो इसका डिटेल रिव्यू मैं वापस यूज़ करने के बाद मेरे चैनल पे अपलोड करूँगा। रिव्यू ऐसा थोड़ी बनाते हैं, उसके लिए इसको यूज़ करना पड़ेगा, मेरे को एक ऐसा लगता है, इसके प्रोज एंड कॉन्स आपको बताने पड़ेंगे ना। अभी इसको आपको ओवरऑल बता दो, ये हेलमेट में क्या है। इसको तीन वाइजर आते हैं टोटल। ये मेन वाइजर आता है, और इसके ऊपर एक एंटी फॉग वाइजर है, और उसके अंदर ये टिंटेड वाइजर है धूप से बचने के लिए। और एंटी फॉग वाइजर ये होता है, मतलब आप अगर बारिश में वगैरह गाड़ी चलाओगे ना, तो हेलमेट में फॉग हो जाता है, तो एंटी फॉग वाइजर उससे बचने के लिए। इसका रिव्यू डिटेल मैं आपको वापस बताता हूँ। और इसमें तीन वेंट है, ये आगे एक वेंट है, इसके ऊपर एक वेंट है, और इसके पीछे एक एयर वेंट है ओवरऑल। और इसकी पैडिंग भी बहुत अच्छी है। इसके हेलमेट के वेरियस टाइप के साइज़ आते हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल से लेके XXL XXXL तक साइज़ आते हैं, डिपेंड्स अपॉन राइडर। जिसको वो कंफर्टेबल लगे वो साइज़ वो चूज़ कर सकता है। ऐसा कुछ है SMK GL 135 का ओवरव्यू था। तो इस हेलमेट के बॉक्स के साथ और कुछ चीज़ें आती है, मतलब अभी इसके अंदर तो इसका वारंटी कार्ड आता है, जो बहुत मेन होता है। अगर कुछ हो गया तो अपन जाऊ सकते ना दुकानदारा कड़े ना कंपनी कड़े। और इसके अंदर और क्या आता है, ये SMK का कीचेन आता है, जो आपके बाइक के की के साथ आप यूज़ कर सकते हो। थोड़ी वट वाटते ना, म्हणजे आपल्या SMK च्या हेलमेटचा कीचेन असेल तर कसं वाटतं, भावना पोचल्याशी कारण। और इस जगह पे अभी मैं शूट कर रहा हूँ, ये तो मेरा अनबॉक्सिंग का अड्डा है। आपको याद है कुछ महीनों पहले इस जगह पे SMK के और एक हेलमेट का रिव्यू शूट हुआ था, मतलब मेरे फ्रेंड का वो हेलमेट था, आप उसकी एक झलकी देख लो। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया, उसका फिनिशिंग भी प्रॉपर है। इसका नंबर है SMK 70 SGL 160। तो जियो आपने जो झलकी देखी ना, उसके हेलमेट के साथ बहुत बुरा होगा। वो हम लोग एक बार आषाढ़ी एकादशी को भगवान को गए थे, वहाँ पर हेलमेट लॉक लगा के भी किसी मूर्ख लोगों ने वो हेलमेट चोरी कर लिया, काट के चोरी कर लिया। क्या बोलो यार, हेलमेट लॉक लोकान ने कापून नेला यार, कसं वाटतं। कष्ट करके लोग हेलमेट लेते, इतना महंगा हेलमेट था, मात्र 4-4.5 हज़ार का हेलमेट था, और लोगों ने चोरी कर लिया, क्या बोलने का। इसीलिए अगर आप हेलमेट लोगे ना, तो हेलमेट लॉक बिलमेट लॉक के झंझट में मत पड़ना, उसको आपके साथ लेके घूमो। SMK के हेलमेट के साथ उसकी बैग भी आती है, सरल हेलमेट पैकेट टाक सर घून फिर ऐसा, किसी के ऊपर भरोसा मत रखो ना। हेलमेट लोगे ना, उसको जीवाने से जपाएसा, मतलब ना खुद जितना खुद से प्यार करते हो ना, अपने बाइक से प्यार करते हो, उतना ही प्यार हेलमेट से करो। हेलमेट ऐसा नहीं कि हेलमेट लॉक रखे रख दिया, बाइक के हैंडल के ऊपर रख दिया, ऐसा मत करो। हेलमेट को अपने साथ लेके घूमो, उसकी जो बैग आती है उसको यूज़ करो। और अभी हम लोग ने एक ठाम निर्णय लिया है, जो हेलमेट था ना बहुत सही था, मेरे मित्र ने अच्छे से लिया था, अच्छा रिसर्च करके उसका ना वो स्टील बढ़ के बाद मेजर अपडेट था, वो किसी ने चोरी कर लिया। भावना पोछले से कारण थोड़ा फंबल मारता है। तो क्या अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी जब भी हम लोग बाहर निकलते हैं, अच्छे खासे मस्त ग्लव्स पहन के निकलते हैं, अगर वो हेलमेट चोरी हुआ वाला मान्यूस दिखा ना, उसको वही फोड़ देंगे।
ऐसा कुछ नहीं करने वाले, जस्ट बता रहा हूँ भावना भोसले से कारण ऐसा आप कुछ करो मता, दंगे फसाद करोगे नहीं तो। अभी जो हेलमेट का जो ओवरव्यू था उसके बाद और एक अच्छा रिव्यू बनेगा हेलमेट को यूज़ करने के बाद, वो जरूर देखना। उसके लिए आपको ऐसे भी ब्लॉग्स तो करना होगा सब्सक्राइब, एंड मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करना, इधर कुछ लिंक आएगा अभी तो इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव दिस वीडियो लाइक, सो ट्रैवल एज मच यू कैन, एज फार यू कैन, एज लॉन्ग यू कैन, बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, एंजॉय लाइफ, जय हिंद जय महाराष्ट्र, बाय बाय। सो गाइस इसका ओवरव्यू तो हो गया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ये भी बोल के पकड़, एक महत्वपूर्ण काम तो रह गया, ये जो हेलमेट है ना उसके ऊपर एक इसका स्टिकर लगा हुआ है, इसको निकालने का सेटिस्फिकेशन मोमेंट सेटिस्फाइंग, इसको जो निकालने का सेटिस्फाइंग मोमेंट अभी मैं खुद एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। सो अभी इसको निकाला गया है, इतना नीट संभालून ठो तो वाह क्या रिफाइंड लग रहा है, पहले तो इसको देखा नहीं था अच्छे से क्योंकि इसके ऊपर जो स्टिकर था अंदर हालू था बोलो आने करे आता बरबर रहता है ना ये असं करूया का परत के परत के डोक्यावर कशाला गेले असं घे ऐसा कुछ है। हेलमेट का ओवरऑल रिव्यू नहीं था।